नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। लालू प्रसाद यादव बहुत बीमार चल रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया है। वहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इसी बीच लालू प्रसाद यादव के आज़ादी की मांग उठने लगी है। लालू प्रसाद यादव को आज़ादी दिलाने के लिए उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने एक मुहिम छेड़ी है। सीधे भारत के राष्ट्रपति को आज़ादी पत्र लिखकर वो अपने पिता की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, और इस मुहिम से राजद के कई कार्यकर्ता और लालू प्रसाद यादव के समर्थक जुड़ रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में लंबे समय से सजायाफ्ता हैं। झारखंड के होटवार जेल में वो सजा काट रहे थे, लेकिन ख़राब तबीयत की वजह से लंबे समय से रिम्स में इलाजरत थे, लेकिन वो सज़ा के तौर पर ही वहाँ पर हैं। उन्हें घर आने की इजाज़त नहीं है, वो बिहार नहीं आ सकते और लोग भी उनसे शनिवार के दिन ही जाकर मिल सकते हैं, जैसा कि आपने कई दफ़े खबरों में देखा होगा। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की ख़राब तबीयत को देखते हुए ये मांग उठने लगी है कि उन्हें आज़ादी दिलाई जाए जेल से। और आप तस्वीरों में देखिए कि ये आज़ादी पत्र जो है वो लाया गया है, जिसे भारत के राष्ट्रपति के नाम पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ये लेटर का फॉर्मेट है, उसमें लिखा गया है आज़ादी पत्र भारत के राष्ट्रपति के नाम, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत। और नीचे लिखा गया है वह एक महान जननेता और बिहार की विरासत है। सामाजिक न्याय के नेता लालू प्रसाद यादव को जेल से रिहा करें। और तेज प्रताप यादव ने इस तस्वीर के साथ ट्वीट भी किया है, जहां पर उन्होंने लिखा है, जिसने हमें ताकत दिया आज वक्त है उनके लिए ताकत बनने का। आइए एक मुहिम से जुड़े और अपने नेता की आज़ादी के लिए अपील करें। गरीबों के मसीहा आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के लिए एक पत्र, आज़ादी पत्र को महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचाएं। 3 बजे प्रदेश कार्यालय पटना, #आज़ादीपत्र आज़ादी पत्र। और इस मुहिम के साथ राजद कार्यकर्ता और जितने भी समर्थक हैं लालू प्रसाद यादव के और राजद के, वो जुड़ रहे हैं। इस ट्वीट को लोग रिट्वीट कर रहे हैं और इस पत्र को सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। 3 बजे प्रदेश कार्यालय में बुलाया भी है तेज प्रताप यादव ने कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को। देखने वाली बात यह है कि आखिर 3 बजे क्या कुछ होता है राजद कार्यालय में। लेकिन अभी ये जो पत्र है तेज प्रताप यादव का, वो सोशल मीडिया पर सेंसेशन बना हुआ है। लालू प्रसाद यादव को आज़ाद कराने की मांग उठ रही है। लंबे समय से चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव सजायाफ्ता है। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई। आपको पता है कि लंबे समय से रिम्स में इलाजरत थे लालू प्रसाद यादव, और 2-3 दिन पहले अचानक से उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी कि अब उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट कराया गया है। लोग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, तेज प्रताप यादव हो, मीशा भारती हो, लगातार वहाँ पर बने हुए हैं लालू प्रसाद यादव की। और जो बेटियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। उनके द्वारा भी ये सभी जो चीज़ें हैं उनको लेकर बयान आ रहे हैं पत्र को, वो भी ट्वीट कर रही हैं और अपने पिता की आज़ादी के लिए मांग उठा रही हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के नाम आज़ादी पत्र लिखा गया है और लालू प्रसाद यादव को रिहा करने की मांग बिहार में उठने लगी है। राजद समर्थक, लालू यादव के समर्थक, राजद के कार्यकर्ता, तमाम लोग लालू प्रसाद यादव को रिहा करने के लिए अब आवाज़ उठा रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि 3 बजे प्रदेश कार्यालय में क्या कुछ होता है और इस मामले में आगे कहाँ तक कार्यकर्ता आवाज़ उठाते हैं। क्या सच में राष्ट्रपति की तरफ से इस पर कोई एक्शन भी आता है। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।